गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर डायरेक्टिंग। ये आप आज टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं। सब तो पहला मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस जड़ा है वो ह्यूमन दी जरूरतों ऊपर डिपेंड करता है। मोटिवेशन स्टार्ट उदों हुंदी है जदों परसन की कोई अनसैटिस्फाइड जरूरत रह जाती है, तो उन्हें उस चीज़ की टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि मैं ये जरूरत अपनी पूरी करनी है। तो उहदे लई एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिंदा है, ऑल्टरनेटिवस लभदा है ते अपनी उस जरूरत नूं पूरा करदा है। सो मोटिवेशन प्रोसैस च सब तो पहला स्टैप हैगा अनसैटिस्फाइड नीड। मोटिवेशन प्रोसैस उदों शुरू हुंदा है जदों परसन की कोई अनसैटिस्फाइड जरूरत हुंदी है। टेंशन, हुण वो चीज़ उहनूं एक टेंशन देनी शुरू कर दिंदी कि मैं इस चीज़ नूं किसी ना किसी तरह पूरा करना है। दैन ड्राइव्स, अनसैटिस्फाइड नीड जिहड़ियां ने वो परसन नूं सोचण ते मजबूर करदियां कि उहदे ऑल्टरनेटिवस लब्भे कि उहदी जरूरत किहड़े ऑल्टरनेटिव नाल पूरी हो सकती है। सर्च बिहेवियर, ऑल्टरनेटिव लब्भन तों बाद उस स्टैप ते जो उहने सिलैक्ट कीता है उहदे अकॉर्डिंग वो परसन चलना शुरू कर दिंदा है। दैन सैटिस्फाइड नीड, उस पर्टिकुलर स्टैप्स ते चलन तों बाद वो अपनी जरूरत नूं पूरा करदा है और इवैल्यूएट करदा है कि मैं हुण सैटिस्फाइड हाँ या नहीं हाँ। दैन रिडक्शन ऑफ टेंशन, ये लास्ट स्टैप है। अगर वो सैटिस्फाइड हो जाता है तो जिहड़ी टेंशन उन्हें पहला सी कि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही, हुण उहदी वो टेंशन जिहड़ी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं एक एग्जाम्पल देन जा रही हूँ। जिवें मान लो एक मिडल क्लास परसन है जिन्हों ऑफिस जाने से बहुत प्रॉब्लम आ रही है और एक कार परचेज करना चाहता है, तो वह अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देगा कि मैनू कार चाहिए है तो मेरे को पैसा भी नहीं है, मैं उन्हें किवें फाइनैंस करवावा। उहदे लई डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिवस लभेगा कि मैं कितों फंडस अरेंज कर सकदा। सारे ऑल्टरनेटिवस नूं चंगी तरह इवैल्यूएट करेगा ते उहनां चों कोई एक ऑप्शन सिलैक्ट करेगा जिहड़ा उहनूं सब तो ज़्यादा रीजनेबल लग रहा होएगा। वो ऑप्शन नूं ऑप्ट करन तों बाद, सिलैक्ट करन तों बाद वो पैसा अरेंज करेगा ते कार परचेज कर लेगा। ते जे हुण उह अपने आप नूं सैटिस्फाइड फील करेगा तां उहदी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का की फायदा है? कहिंदे अगर मैनेजमेंट अपने एफर्ट्स उदों तक मैनेजमेंट दे एफर्ट्स कामयाब नहीं हो सकते जदों तक वो अपनी इंप्लॉयज़ नूं इनकरेज या मोटिवेट नहीं करती। तो मोटिवेशन का फायदा की है? हायर परफॉर्मेंस। अगर आप इंप्लॉयज़ नूं मोटिवेट करांगे तो मोटिवेटेड इंप्लॉयज़ हमेशा अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं और उन्हां दी परफॉर्मेंस जिहड़ी है वो इनक्रीज़ हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है लैस इंप्लॉय टर्नओवर एंड एबसेंटिज़म। अगर आप अपने इंप्लॉयज़ नूं मोटिवेट करते हैं, उन्होंने जॉब तो सैटिस्फाई करवा दें तो जिहड़ी लेबर टर्नओवर है, क्योंकि सैटिस्फाइड इंप्लॉय कभी भी काम छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगी, मतलब साढ़े इंप्लॉयज़ काम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दूसरी चीज़ वो बार बार जॉब तो एबसेंट भी नहीं होंगे। इहदा फायदा ये होएगा कि कंपनी की गुडविल वधिया रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर इंप्लॉयज़ बार बार काम छोड़ के जाएंगे तो फर्म नूं बहुत लॉस सफ़र करना पैंदा है, क्योंकि नवे सिरे तो उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करने पैंदे है, तो जिहड़ा नवा परसन आंदा उन्हें दोबारा एडजस्ट होने से भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये कंपनी नूं बहुत कुछ सफ़र करना पै सकता है। बट मोटिवेशन अगर होएगी प्रॉपर तो लेबर टर्नओवर बिजनेस से ज़्यादा नहीं होएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बैटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। जिहड़ी एंटरप्राइज से मोटिवेशन लिए टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, मोनीटरी या नॉन मोनीटरी, की होएगा कि साढ़े इंप्लॉयज साढ़े तो सैटिस्फाई रहेंगे और ईवन कि नवे परसनस भी क्वालिफाइड साड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाल अट्रैक्ट होंगे, एक्सपीरियंसड परसन साड़ी कंपनी वाल अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि साढ़े मोनीटरी और नॉन मोनीटरी इनसेंटिव ज़्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये कंपनी की जिहड़ी रेपूटेशन है इनक्रीज़ होएगी, वधिया लोग साड़ी कंपनी वाल अट्रैक्ट होंगे, तो जिहड़े वधिया लोग आएंगे वो जॉब तो भी सैटिस्फाइड ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने काम ऑलरेडी अच्छी तरह आता होएगा। तो मोटिवेशनल एफर्ट्स जिवें कि आप स्कीम्स दे रहे हैं फाइनैशियल इनसेंटिवस वाली, तो ये मोटिवेशनल एफर्ट्स जड़े है ये परसोनल फंक्शन, मतलब सही परसनस नूं अपॉइंट करना, अट्रैक्ट करना, इस फंक्शन नूं भी ईजी बना देंगे है। नेक्स्ट है बैटर इंडस्ट्री रिलेशनशिप। अगर मोटिवेशन सिस्टम साडा अच्छा होएगा तो साडे इंप्लॉयज साडे तो सैटिस्फाई होंगे और अपनी बेस्ट आउटपुट देंगे, तो इंप्लॉयर्स और इंप्लॉयज़ का जो रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छा मेनटेन होएगा।
नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी टू चेंज। अगर असी अपने इंप्लॉयज़ नू प्रॉपर मोटिवेट करांगे, जॉब तो सैटिस्फाई करवा देंगे, तो चेंजेस नू अडैप्ट करना भी उन्हां लई ज़्यादा औखा नहीं होएगा, वो ईजली चेंजेस नू अडैप्ट करन लई भी तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है जॉब सैटिस्फैक्शन। जदों इंप्लॉयज़ नू प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगी तो अपने प्रॉपर स्किल यूज़ करेंगे, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ उन्होंने होर भी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी, जॉब सैटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इनक्रीजिंग एफिशिएंसी। जिहड़े मोटिवेटेड इंप्लॉयज़ ने वो अपने काम नू इंप्रूव करते हैं, अपनी एफिशिएंसी नू होर ज़्यादा इंप्रूव करन दी कोशिश करते हैं। लैस सुपरविजन रिक्वायर्ड। जिहड़ा परसन मोटिवेटेड होएगा वो अपना टास्क प्रॉपरली परफॉर्म करेगा, तो उन्हें ज़्यादा सुपरविजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होएगी। लास्ट वन इज़ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेटेड इंप्लॉयज़ जड़े होंगे है वो अपना बेस्ट देंगे है ऑर्गेनाइजेशन नू, अपने वालों मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हैं, जिदे नाल प्रोडक्शन का टारगेट ईजीली अचीव हो जाता है और मोटिवेटेड इंप्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल नू भी अचीव करन चे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ नीड हायरार्की थ्योरी। जड़ी मोटिवेशन है ह्यूमन बीइंग नू साइकोलॉजिकली मिलती है, तो ये डिपेंड करती है ह्यूमन बीइंग दीयां जरूरतों उपर, तो ह्यूमन बीइंग दीयां जरूरतों नू अंडरस्टैंड करने लई सानू मैस्लो दी नीड हायरार्की थ्योरी स्टडी करनी पड़ेगी, जो साडा नेक्स्ट टॉपिक है। सो हुण मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रही हाँ, मैस्लो परसन दा नेम है, उन्हें डिफाइन कीते है नीड हायरार्की थ्योरी, मतलब ह्यूमन बीइंग दीयां जरूरतों दी एक हायरार्की, मतलब एक चेन बनी हुई है, तो वो थ्योरी हुण आपां डिस्कस करांगे। मैस्लो का कहना है कि मोटिवेशन जड़ी है परसन दी जरूरतों उपर डिपेंड करती है, हर परसन दी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होंदियां ने, ते हुण उहदे लई किसी भी जरूरत की किन्नी को इंपोर्टेंस है उहदे उपर डिपेंड करेगी उहदी मोटिवेशन। जिन्नी ज़्यादा उहनू किसी चीज़ की जरूरत होएगी उन्नी ज़्यादा उहनू मिलेगी मोटिवेशन उस चीज़ तो। ते मैस्लो का यह भी कहना है कि जड़ी ह्यूमन दीयां जरूरतां ने वो फाइव कैटेगरीज से डिवाइड होईयां हुई हैं। परसन इनू स्टेज वाइज अचीव करन दी कोशिश करदा है, सब तो पहला फस्ट अपनी जरूरत पूरी करन दी कोशिश करदा है, जदों फस्ट जरूरत पूरी हो जाती है तो वह नैक्सट वल प्रोसीड कर जाता है। तो सब तो पहली जरूरत जिहड़ी परसन की हैगी है वह है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब साडियां बेसिक जरूरतां जो सरवाइव करन लई बहुत जरूरी ने, जिवें कि फूड, क्लोदिंग, ड्रिंकिंग, शैल्टर मतलब रहने लई छत, रेस्ट, एक्सरसाइज एटसेट्रा। सब तो पहला ह्यूमन बीइंग अपनियां ये जरूरतों नू पूरा करन दी कोशिश करता है, जब तक उहदी ये जरूरत पूरी नहीं हो जाती उदों तक वो होर अगे किसी जरूरत वल नहीं जाता। वंस दीज नीड्स आर सैटिस्फाइड, हुण ये चीज़ उन्हों मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, वो प्रोसीड कर जाएगा सैकेंड स्टेज पर। हुण उन्हों मोटिवेशन मिलेगी केड़ियां चीज़ों तो, जिथे उन्हों सेफ्टी होवे और सिक्योरिटी। हुण वो कुछ ऐसा काम चाहेगा जिथे उन्हों कोई जॉब लूज़ होने का चांस ना होवे, अपनी जड़ी फिजिकल सेफ्टी है वो पूरी फील होनी चाहिए है, और उन्हों ओल्ड एज पेंशन दी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए है, तो ये चीज़ों देखते हुए वो अगे काम करेगा। हुण ये चीज़ा उन्हों मोटिवेशन प्रोवाइड करनगी है, तो सैकेंड रिक्वायरमेंट हर परसन की हुंदी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। थर्ड है सोशल नीड्स। हर परसन जड़ा है वो सोसाइटी में बिलोंग करता है, तो वो अपने सोशल रिलेशन अपने ग्रुप्स बनाना पसंद करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन दे विच बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाला माहौल होएगा तो ऐसी जगह पर वो टिकना पसंद नहीं करेगा, तो उन्होंने इस तरह का इनवायरमेंट चाहिए जिहड़ा कि जिहदे च वो एक दूजे नाल कम्यूनीकेशन कर सकते हो। अदरवाइज वो ऐसी जगह पर जिथे बहुत रिस्ट्रिक्शन होन उत्थे टिकना पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ एसटीम नीड। फोर्थ जरूरत हर परसन की हैगी है एसटीम नीड। ये हैगा कि हर परसन सैल्फ रिस्पैक्ट चाहता है, सैल्फ कॉन्फिडेंस चाहता है, वो चाहता है कि मैनू रेकोगनीशन मिले, अगर मैं कुछ काम किया तो मैनू उहदी पहचान मिलनी चाहिए है। तो ये चीज़ा की जो सैटिस्फैक्शन होंगी है तो उहदा कॉन्फिडेंस लैवल, उहदा प्रेस्टिज पावर्स जिहड़ियां ने होर ज़्यादा इनक्रीज़ हो जांदियां ने। तो नैक्सट फोर्थ स्टेज पर परसन इन्हां चीज़ों वल भजदा है, जिथे उन्हें ये चीज़ा मिलनगियाँ उत्थे वो मोटिवेटेड होकर काम करेगा। लास्ट है सैल्फ फुलफिलमेंट और एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सब तो लास्ट से आती है, ये हाईएस्ट नीड है मैस्लो की हायरार्की थ्योरी चे। ये एक परसन जड़ा है वो अपनी पोटेंशियलिटीज़, जिस चीज़ की वो बहुत पोटेंशियल हैगी है वो डिवेलप करना चाहता है, जो वह दिल करता है हुण वो काम करना चाहता है जिदी वो काबिलियत है,
ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਛ ਹਿਡਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਨੀਡ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨੀਡ ਮੈਸਲੋਜ਼ ਨੀਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਫੋਰ ਟੂਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।